Shall we start? Yes. देखो वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, वो क्वेश्चन 8 में है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, 8 में क्या लिखा है? फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिकॉज, उसमें आ ही गया है वो। H2O is oxidized. करेक्ट, H2O इज ऑक्सीडाइज मीन CO2 इज रिड्यूस्ड। CO2 रिड्यूस्ड ये इज रिड्यूस्ड क्योंकि CO2 में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। रिडक्शन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन इज एडेड, नहीं तो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। तो CO2 में हाइड्रोजन ऐड होता है और वाटर इज ऑक्सीडाइज मीन्स वाटर से हाइड्रोजन निकाला जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब दोनों होता है, ऑक्सीजन इज एडेड नहीं तो हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। लेकिन फोटोसिंथेसिस मैंने तो बायोलॉजी में बोलो, रिडक्शन किसको बोलते हैं? व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड इट इज रिडक्शन एंड व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो फोटोसिंथेसिस इज रिडॉक्स रिएक्शन इन विच CO2 गेट रिड्यूस्ड एंड वाटर गेट ऑक्सीडाइज। तो पहला क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल। करेक्ट, फिजिको केमिकल करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर टू? बोथ असम्पशन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। क्योंकि ग्रीन प्लांट है तो क्लोरोफिल होगा ही, तो ए इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर टू आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर थ्री, फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक। अभी आप लोगों को सबको व्हाट इज एनाबॉलिक एंड व्हाट इज कैटाबॉलिक पता है ना, नहीं तो मैं फिर से बोलूंगी। सी those students who don't know, for them metabolism or metabolic processes means what? Whatever reactions are taking place in the body, that means in the body of living organism, maybe plant or animal, they are called as metabolic processes. And this metabolism we can divide into two, catabolism and anabolism. Anabolism kya hai? Anabolism, it is energy trapping process, that means energy stored within the body. For example, in green plants, by using simple substances, simple inorganic substances like CO2 and water, the solar energy is trapped and it is converted into biological form of energy, that is starch is formed, glucose is formed, that means energy is trapped. So it is anabolic process. एनिमल्स में देखो तो डाइजेशन इज एनाबॉलिक प्रोसेस एंड व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म मींस व्हाटएवर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर स्टोर्ड इन द बॉडी, बॉडी मींस इन द साइटोप्लाज्म, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, व्हिच इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ, और वी कैन से व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, व्हिच इज एनर्जी रिच कंपाउंड. And then that ATP can be utilized to carry on different physiological functions. So that one, respiration, especially cellular respiration, I want to see. It is catabolic process. So jo answer mujhe diya hai ki photosynthesis is anabolic process in which synthesis of complex substance take place from simpler substances. This is correct answer. Now, question number four. Which one of the following can be concluded from half leaf experiment? Half leaf experiment, mole naam ka, MOLL, mole naam ka ek scientist tha, usne experiment kiya tha. Wo hai half leaf experiment. Upar apne notes mein ye experiment diya hai. To usse kya pata chalta hai? Yes, do you know? Yes, if you don't know, I will tell you. CO2 is required for photosynthesis. CO2 is required for photosynthesis.
ये एक्सपेरिमेंट दिया है ना ऊपर नोट्स में, क्या है एक टेस्ट ट्यूब लिया अंकुल ने और वो टेस्ट ट्यूब में उसने KOH डाल दिया था एंड देन उसको एक रबर यानी कॉर्क अटैच किया, कॉर्क पर थोड़ा स्लिट था, थोड़ा कट किया था उसने और उसमें उसमें उसने आधा लीफ डाल दिया. आधा लीफ मीन्स द एंटायर प्लांट वाज देयर, इट वाज केप्ट इन डार्क रूम फॉर फ्यू डेज, तो स्टार्च होगा ही नहीं लीफ में. और बाद में उसने एक लीफ को ये टेस्ट ट्यूब अटैच किया, पन्ना वो जो लीफ था वो तोड़ा नहीं था, वो प्लांट को ही अटैच था और उसको टेस्ट ट्यूब में आधा लीफ डाल दिया एंड देन ही केप्ट द एंटायर प्लांट इन द सनलाइट. Naturally, when the plant is kept in sunlight, photosynthesis हो गया. लेकिन जो test tube में था, उसको KOH था, इसलिए वो CO2 उसने absorb कर दिया. तो अंदर का जो आधा leaf था, उसको CO2 मिला नहीं. इसलिए अंदर के leaf में photosynthesis हुआ ही नहीं. और बाद में उसने वो plant lab में लाया, and that leaf particularly was tested for presence of starch. वो आपको पता है आयोडीन डाल के देखते हैं, तो वो जो आधा लीफ टेस्ट ट्यूब में था ना उसको ब्लू कलर आया नहीं, तो उससे पता चला कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सो हाफ लीफ एक मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. नाउ इन ग्रीन प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. देखो आपको अभी एक्सपेरिमेंट पता नहीं होगा तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि CBSE के बुक में एक्सपेरिमेंट्स है. इन ग्रीन प्लांट्स ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड एंगलमैन ऑब्जर्व फ्रॉम इट्स प्रिज्म एक्सपेरिमेंट. ऊपर देखो आपको मिलेगा नोट्स में, देखो नहीं तो CBSE के बुक में देखो. अरे अरे रुक, हाँ अरे आपने वो क्वेश्चन किए नहीं ना, 5 तक ही किए थे ना, तो टेक टाइम और 5 क्वेश्चन करो. आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स. 6 से लेके 10 तक करो. From 6 to 10. क्वेश्चन सॉल्व करके हो गए तो बोल देना.
हो गए सॉल्व करके क्वेश्चंस? यस हो गए तो बोल देना. ओके एवरीबॉडी हैज फिनिश्ड. Yes, I can see 33 students are there. That means 31 at least. So, question number 6. What did Engelmann observe from its freedom experiment? Bacteria accumulated towards red and blue light. Correct, correct. Here, you can see the experiment which is given in the notes. This scientist, what he did, he used Cladophora. Cladophora is one algae for this, to observe this. And then he used prism and he observed what happens. And he put bacteria also in the suspension. He observed that the bacteria were seen wherever red and blue light is there. Why? Because you know in the red and blue light, more photosynthesis take place. And during photosynthesis, oxygen is evolved. And wherever oxygen is evolved, these bacteria get accumulated. So he observed first time that in the red and blue light, more photosynthesis takes place. That means the action spectrum which we have studied, he studied first time. Now question number 7. Which one of the following is used by green sulfur bacteria for reduction of CO2? Yes. H2. Huh? H2. H2O. Find out. H2S is used. Do you remember Van Nil? What he observed? Van Nil experiment hum logo ne dekha hai na apne book mein. Van Nil means photolysis takes place during photosynthesis. वो जो है ना topic ने तो Hill's reaction. उसके पहले हम लोग बोलते हैं कि what was the former belief? Former belief was like this, that CO2 which is there, it gets split up, and the carbon. But see here, actually Van Nil was one bacteriologist. And what he observed that in green sulfur bacteria, H2S gets split up. So he thought, same thing must be happening in photosynthesis, water must be splitting up. And then he proved that. Of course, he could not prove, he suggested like that, that water must be splitting up in H and OH. That means oxygen which is released, it comes from H2O. He first suggested that hydrogen is taken by the plant for synthesis of glucose. He could not prove it, but Robert Hill proved that. And you know, afterward, Arnon proved that NADP is the hydrogen acceptor and that NADPH2 is used in dark reaction as hydrogen donor. And afterward, Rubin and Kamen also, by using heavy isotope of oxygen, they proved the same thing, that photolysis of water takes place. So here answer is H2S, green sulfur bacteria, the experiment which was done by Van Nil. H2S is the answer here. Question number 8 to hum logo ne kar hi liya hai. Question number 9 dekho abhi. Question number 9 maine abhi explain kar diya hai, to aapko answer aa hi jayega. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? देखो, हियर यू कैन सी पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया डू नॉट यूज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस. ये तो मैंने बता ही दिया है. H2S इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर, ये भी मैंने बताया है. एंड द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, ये भी मैंने बोल दिया कि सल्फर इज रिलीज्ड. सो हियर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल द 3, ऑल द अबव. Is it clear? Yes. Question number 9 के लिए आपको चाहिए तो notes में Van Nil का experiment दिया है, वो पढ़ो. Question number 10 देखो क्या answer है. अभी मैंने बोला है. Green sulfur bacteria. नहीं नहीं, question number 10 का बोल रही हूँ.
साइंटिस्ट के नाम है ना, क्वेश्चन नंबर 10। अभी मैंने बोल दिया आपको आंसर। नंबर 10 का वैन नील ही सजेस्टेड दैट द ऑक्सीजन व्हिच इज इवॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस इट कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम CO2। हिल ने वो प्रूव किया बाद में, इजंट इट? सो हियर आंसर इज वैन नील ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए। हैव यू फॉलोड दिस? सी, थोड़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा चैप्टर, भूल गए होगे शायद, 11 में किया है ना, और 11 में इतना समझा भी नहीं होगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर से पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो अभी क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक सॉल्व करो, एंड ऑल द स्टूडेंट्स यू शुड पार्टिसिपेट। ऐसे नहीं कि एक नहीं आंसर देना चाहिए, रॉन्ग हो गया तो भी चलेगा, क्या है रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 करो, आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स। Yes, 1 minute. Question number 12 में, 11 में बी और सी दोनों सेम ही है, बी और सी उन्होंने दोनों सेम ऑप्शन दिए तो कोई भी आंसर चलेगा, बी नहीं तो सी। इज इट क्लियर? नहीं नहीं, बी और सी सेम नहीं है, सी में 6O2 लिखा है। हाँ तो कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 को? बी 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 करेक्ट। 13 करो अभी, 13 14 12 13 14 15 चार। इजी है, सॉल्व करके हो गए तो बोल देना बाद में। हो गए क्योंकि इजी है। यस। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ लीफ सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट? मेसोफिल सेल्स। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, मेसोफिल सेल्स करेक्ट। देन द मेम्ब्रेनस सिस्टम विद इन क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट स्टोमा। स्टोमा स्टोमा या स्टोमाटा ना, लास्ट ना, डी ना, स्टोमाटा। करेक्ट करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और फिर द पार्ट ऑफ पेयर रिएक्शन टेक्स प्लेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, कहाँ होता है? एक्स
एक्स में होता है, करेक्ट. एक्स इज ग्राना. एक्स क्या है? ग्राना है. वाई क्या है? स्टोमा लैमेले है. डब्ल्यू डीएनए है. और जेड क्या है? मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का. डू यू नो द नेम ऑफ द डीएनए ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए है उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर डीएनए. सर्कुलर डीएनए नहीं, सर्कुलर है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं पता है? द डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज प्लास्टिडोम. प्लास्टी पी एल ए एस टी आई प्लास्टी डोम डी ओ एम प्लास्टिडोम. याद रखो हाँ. द डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज प्लास्टिडोम. और मुझे बोलो कि इसमें राइबोसोम रहता है ना क्लोरोप्लास्ट में? Yes. वो कौन सा रहता है? 70S या 80S? 70S. Yes, very good. Next, chlorophyll is found in grana of chloroplast. Yes, correct, 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 correct. अभी 16 से 20 तक करो. साइड बाय साइड करेंगे या टाइम दे दू पहले? टाइम ले लो, चाहिए तो चार चार 16 to 24 मिनट्स ले लो. हो गए कि बोल देना. हो गए ये क्वेश्चन चार? यस. सी नाउ वी आर स्टडिंग क्लोरोप्लास्ट, सो एवरीथिंग रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट ओनली. स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड. यू नो इन द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज देयर, डबल मेम्ब्रेन इज देयर, इनर एंड आउटर. तो ये भी आपको याद रखना है सेल चैप्टर से कि कौन से सेल ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन है, कौन से सेल ऑर्गेनल को सिंगल मेम्ब्रेन है, और कौन से सेल ऑर्गेनल को मेम्ब्रेन है ही नहीं. वो आपको याद रखना है क्योंकि वो भी कभी कभी क्वेश्चन नीट में पूछते हैं. सो नाउ यू नो दैट इन द क्लोरोप्लास्ट ग्राना आर प्रेजेंट. एंड व्हाट इज ग्राना? ग्राना मीन्स इट इज हैविंग अबाउट 8 to 12 बैग लाइक स्ट्रक्चर, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर.
placed one above the other. They are called as thylakoids. And all these thylakoids together make one grana. वैसे बहुत सारे ग्राना रहते हैं एंड दीज ग्राना आर कनेक्टेड बाय स्टोमा लैमेले और फ्रेट चैनल्स और इंटर ग्राना लैमेले. ये तीन नाम एक ही चीज को है. आपको पता है वो एडजेसेंट ग्राना आर जॉइंड बाय ऑप्शन क्या क्या देंगे? स्टोमा लैमेले, इंटर ग्राना लैमेले, फ्रेट चैनल्स और ऑल द थ्री. तो ऑल द थ्री इज अवर आंसर. सो ये आपको याद रखना है. समझ गए? Yes. क्योंकि ना ये अपने बुक में नहीं दिए है, सब कुछ नहीं दिए. पहले वाला जो हमारा बुक था ना बोर्ड का आपके सिलेबस के पहले, उसमें ये लिखा था और ये क्वेश्चन पूछते थे. क्या क्वेश्चन है? एडजेसेंट ग्राना आर जॉइंड बाय तीन ऑप्शन. फर्स्ट एक्शन स्टोमा लैमेले, सेकंड ऑप्शन इंटर ग्राना लैमेले, दो ग्राना ज्वाइन करने वाले लैमेले, तीसरा फ्रेट चैनल्स, FRET, फ्रेट चैनल, एंड लास्ट ऑप्शन ऑल द थ्री. तो ऑल द थ्री इज अवर आंसर. तो ये याद रखो. एंड ग्राना इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन एंड स्टोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द थायलेकोइड मेम्ब्रेन सिस्टम इन क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. क्या क्या होता है थायलेकोइड में? ग्राना में क्या होता है? 16 का आंसर क्या होगा? यस बोथ ए एंड बी. यस बोथ ए एंड बी. उसमें सोलर एनर्जी टैप भी होगी एंड यू नो ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एटीपी एंड एनएडीपी H2 आर फॉर्म. सो बोथ ए एंड बी. नाउ यू टेल मी वन आंसर. ATP and NADPH2 together it is called as what? It is called as, do you know which word is used for this? ATP and NADPH2 together it is called as kya bolte hai usko? Pata hai ya nahi pata hai? पता नहीं होगा तो लिख के रखो. उसको बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर. पता चला? क्या बोलते हैं उसको? एसिमिलेटरी पावर. क्वेश्चन पूछा था एक दो बार सीईटी में. एसिमिलेटरी पावर कंसिस्ट ऑफ. देखो आप सब लोग, मैं तो अभी हम लोग तो ऑनलाइन कर ले, आप लोग सामने नहीं हो लेकिन आप लिख के ले रहे हो. क्वेश्चन क्या पूछा था सीईटी में? एसिमिलेटरी पावर कंसिस्ट ऑफ. ऑप्शन दिए थे एटीपी, दूसरा ऑप्शन एनएडीपीएच2, तीसरा ऑप्शन दिया था बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच2 और चौथा ऑप्शन दिया था एडीपी एंड एनएडी. तो आपका ऑप्शन है बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच2. इज इट क्लियर? यस. लिख के रखो एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं उसको. नाउ क्वेश्चन 17, द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक्स इन द क्लोरोप्लास्ट आर. ग्राना. ग्राना करेक्ट. 18 का बोलो, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस. लाइट इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट. लाइट इंडिपेंडेंट मीन्स वॉट? Which reaction? Dark reaction. So where it takes place? Stroma. Yes, correct. Correct, correct. Stroma, stromal matrix. 19. Which one of the following statement is true for light reaction? Ek minute, huh? Yep. लैपटॉप हैंग हो गया शायद. हाँ, 19 का आंसर क्या होगा? इट इज डायरेक्टली ड्रिवन बाय लाइट. यस करेक्ट करेक्ट. 20, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डार्क रिएक्शन. डज नॉट रिक्वायर एटीपी. यस करेक्ट. इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी एनएडीपीएच2. ये रॉन्ग है क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग
light reaction, whatever end products are formed, they are ATP and NADPH2 and they are used in dark reaction. But dark reaction may ADP and NADP is formed, it is again used by light reaction. So they are both are dependent on each other. Now question number 21 se leke 25 tak solve karo. So all five questions are 21 to 25. Yes, have you finished? Yes. Question number 21. Which one of the following is not found in the chloroplast? F1 particles are present in mitochondria. Question number 22. Which one of the following statement is not true about chloroplast? D. करेक्ट ग्लूकोज इज यूटिलाइज वो रेस्पिरेशन में होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट फंक्शंस एज रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए यू नो क्लोरोफिल ए इज एसेंशियल पिगमेंट और प्रिंसिपल पिगमेंट बिकॉज ऑल अदर एसेसरी पिगमेंट्स ट्रैप द सोलार एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड गिव इट टू क्लोरोफिल ए एंड देन क्लोरोफिल ए कैन कन्वर्ट दैट इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी करेक्ट Which of the following is yellow orange pigment? Carotenoid. Correct. Complete the analogy. Chlorophyll A is blue green. So yellow green kaun hai? Chlorophyll B. Chlorophyll B. Correct. Abhi 26 se leke 30 tak. Take 5 minutes and do it. 26 se 30.
हो गए तो बोल देना। हम Yes. Have you finished? Yes. Can you hear me? Yes, ma'am. So we will start. कुछ नहीं, मेरी यार lights गए थे इसलिए थोड़ा time गया. Question number 26. Which one of the following is not an accessory pigment of photosynthesis? Yes, which one of the following is not an accessory pigment? What is the answer? Which is not accessory pigment? Chlorophyll A, isn't it? Yes, can you hear me? Yes. So chlorophyll A answer hai na, it is a principal pigment. Now question 27. Accessory pigments like carotene and xanthophyll absorb radiant energy and kya hoga answer iska? Transfer this energy to chlorophyll A. Correct. They transfer this energy to chlorophyll A and then chlorophyll A convert it into chemical form of energy. The least effective photosynthesis takes place in which green? Green, correct. Because green is reflected. 29. Green color of the leaf is because of the following reason. A. Kya? A answer. 29 ka. Nahi. They reflect that green color. Reflect jo hota hai na, wo dikhai deta hai. तो इसका आंसर है दे रिफ्लेक्ट द ग्रीन कलर 29 का जो जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना वो कलर आपको दिखता है तो दे रिफ्लेक्ट द ग्रीन कलर 30 का बोलो विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट D, last one, correct. Chlorophyll A lies in the stroma, वो wrong है. It is present in grana only. तो आगे का solve करेंगे. 31 से 35. Yes. Yes, solve करेंगे. देखो इसके लिए ना आपको notes ही देखना पड़ेगा. आपने book में भी short में लिखा है. तो अपना notes ही पढ़ो. Can you tell me chlorophyll A and chlorophyll B show maximum absorption in which color? Green. नहीं, green में तो minimum absorption है ना? 31 का answer. Blue and red. Blue and red. Blue and red.
तो ब्लू एंड रेड, ब्लू वॉयलेट एंड रेड, ये आंसर है अपना। 32 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बी, हाँ बराबर, 32 का बी करेक्ट। 33, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी विथ रिस्पेक्ट टू एब्सॉर्प्शन पिक ऑफ क्लोरोफिल ए इन फोटोसिस्टम। पीएस 1 का 700 है, तो पीएस 2 का क्या है बताया आपको? 680 नैनोमीटर, बराबर। यू नो दैट यू हैव स्टडीड फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए 700, दिस इज द एसेंशियल पिगमेंट और मेन पिगमेंट, एंड पीएस 2 में 680। इसका मतलब क्या है कि क्लोरोफिल ए 700 जो है ना, वो इट कैन एब्सॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर और अबाउ दैट, और क्लोरोफिल बी जो है ना, इट कैन एब्सॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर एंड अबाउ दैट, वो मतलब है। 34 का आंसर क्या होगा? The photochemical phase of photosynthesis does not include, simple है, CO2 fixation. Correct. CO2 fixation takes place in dark reaction. It does not take place in light reaction. Now 35, PS1 and PS2 are named. ये आपको शायद नहीं आएगा। इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, जैसे डिस्कवर किया ना वैसे उनको नाम दिया गया, 1 और 2 और कुछ नहीं। अभी 36 से 40 करो, 36 से लेके 40, टेक 5 मिनट्स एंड सॉल्व। हो गए सॉल, यस। एलएचसी क्या पता है आपको? 36, द एलएचसी आर मेड अप ऑफ, एलएचसी मींस व्हाट? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स are made up of hundreds of pigment molecules bound to proteins. Protein center में रहता है और उसके बाजू में वो pigments रहते हैं, correct. Photosystem is made up of see, इसमें भी कॉन्टोजोम आपको पता होगा, कॉन्टोजोम is the unit for photosynthesis.
कॉन्टोजोम पता है ना आपको या नहीं? कॉन्टोजोम में रिएक्शन सेंटर सेंटर में रहता है क्लोरोफिल ए, और उसके बाजू में सब एसेसरी पिगमेंट्स रहते हैं। तो फोटो सिस्टम इज मेड अप ऑफ रिएक्शन सेंटर एंड एंटीने। एंटीने का मतलब है एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट मीन्स ऑल क्लोरोफिल बी सी कैरोटीन एंथोफिल जो कुछ है वो, दे आर कॉल्ड एज एंटीने। व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंटीने? सी पहले जमाने में हम लोगों को एंटीना मिलता था टीवी देखने के लिए, तो उसमें क्या रहता था, बहुत चार पांच रॉड्स रहते थे, टेरेस में हम लगाते थे चार पांच रॉड्स है, एंड दे यूज्ड टू एब्सॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ साउंड एंड डिस्क, एंड देन ऑल ऑफ देम वेर कनेक्टेड टू वन रॉड। रॉड रहते थे ऐसे मेटल के, एंटीने रहते थे हमारे टेरेस पे, और वो रॉड हमारे टीवी को जॉइंट रहता था। तो एंटीने का मतलब है दे विल एब्सॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ साउंड। टीवी है तो साउंड ना, तो यहाँ पे लाइट। तो एंटीने एंड रिएक्शन सेंटर, दैट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर इज बी। 38 देखो, द सिंगल डैश मोलेक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर इन द फोटो सिस्टम। क्लोरोफिल, करेक्ट। 39, द पिगमेंट्स इन द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। Help to absorb different wavelengths. Different wavelengths of light, correct. They will absorb different wavelengths of the light and will give it to chlorophyll A. Which of the following is not a product of light reaction? NAD. NADH, correct. That is in respiration, correct. So, abhi 41 se leko hai, karo. Kitne hai question isme? Bahut sare hai na? 41 से चलो 46 तक तो करो, 41 पर चार पांच तो कर लो, स्टार्ट करो।
चलो हो गए 41 से 45. Shall we start? Yes. The raw material for photochemical phase of photosynthesis are photochemical phase. इसका मतलब है dark reaction. तो dark reaction के लिए कौन सा raw material है? End product of light reaction. क्या है end product of light reaction? हम्म, 41 का आंसर क्या होगा? NADP plus NADP. हाँ ठीक है, बराबर है. Now next one, the coenzyme which acts as hydrogen acceptor. Hydrogen acceptor during light reaction is. क्या है इसका आंसर? Yes. NADP है कि नहीं? क्योंकि NADP तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है और NADPH तो तैयार होता है ना. FADPQ ये कुछ है ही नहीं फोटोसिंथेसिस में. NADP आंसर. 43, the electrons released from the reaction center of PS1 perform which one of the following activity? Reduction of NADP+. हाँ, yes, correct, बराबर. Then 44, in the photochemical phase of photosynthesis, which one of the following is the electron donor to P6At? H2O, correct. ये non-cyclic electron transfer का question है, correct, H2O. 45, which one of the following is the correct sequence of steps in Z-scheme? Z-scheme means non-cyclic electron transfer. क्या होगा इसका 45 का? A option. Correct. Very good. Correct. You have to remember this cyclic and non-cyclic electron transfer or dark reaction. ये सब आपको बाहर होना चाहिए. कभी भी रात को 2 बजे उठाया आपको नींद से और पूछा बोलो तो आना चाहिए ये. यानी कि देखो cyclic, non-cyclic electron transfer, then dark reaction, यानी केल्विन साइकिल, बाद में C4 पाथवे, then photoresist reaction, 5 हो गए. बाद में वो अपना कौन सा पीटर माइकल का वो जब केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये 6 चीज आपको फोटोसिंथेसिस से सब बाहर होना चाहिए. और रेस्पिरेशन से ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये 3 चीज. तो ये 8 चीज है ना वो आपको बाहर होना चाहिए, याद रखो. अभी 45 हो गया. अभी 46 से लेके 50 तक 5 करो. At present you can refer to notes, लेकिन आपको ये करना है. समझो आप भूल गए होगे, पॉसिबल है ना भूल गए होगे, तो पढ़ो फोटोसिंथेसिस चैप्टर, पढ़ो 2-4 बार, तो फिर आएगा आपने को. तो 46 से लेके 50 तक करो अभी.
चालू करेंगे, हो गया है। चालू करेंगे क्या? Yes. 46, the water splitting complex is associated with. Yes. Photosystem 2. Photosystem 2, correct. The in Z scheme of electron transfer, water splitting complex supplies electron 2. Photosystem 2. Correct. ये सब याद रखना चाहिए। देखो नॉन साइक्लिक में क्या होता है, पहले दोनों एक्चुअली साइड बाय साइड इट टेक्स प्लेस। पीएस टू विल गिव द इलेक्ट्रॉन्स टू पीएस वन, पीएस वन विल गिव द इलेक्ट्रॉन्स टू एनएडीपी, एंड फ्रॉम वेयर द पीएस टू विल रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वॉटर। ये आपको याद रखना चाहिए। नो इन द फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस विच रिक्वायर्स बोथ पीएस वन एंड पीएस टू ऑल्सो इन्वॉल्व It involves what? All of these. All of these, correct, because it is non-cyclic electron transfer. 49, select the incorrect statement from the following. Which is wrong? Yes. Cyclic photophosphorylation में PS2 है क्या? No, PS1 is only there. It's not there ना? Cyclic electron transfer में सिर्फ PS1 है, तो कौन सा wrong होगा इसमें? Answer. सी, करेक्ट, वेरी गुड। याद रखो साइक्लिक में सिर्फ पीएस वन है एंड नॉन साइक्लिक में दोनों है, पीएस वन एंड पीएस टू। ओके, 50 का बोलो। फॉस्फोरिलेशन इज सिर्फ फॉस्फोरिलेशन लिखा है, फोटो फॉस्फोरिलेशन नहीं लिखा है। See, phosphorylation means, chemistry में हम लोग बोलते हैं जिसमें फॉस्फेट एड किया तो उसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन, लेकिन बायोलॉजी में फॉस्फोरिलेशन किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी बाय एडिशन ऑफ फॉस्फेट, इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेशन। और वो दोनों में होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें जो फॉस्फोरिलेशन होता है उसको हम फोटो फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। Why? Because during photosynthesis, when ATP is formed, the energy which is required for the formation of third phosphate bond, it is taken from sunlight. So it is photophosphorylation. Or respiration mein jo ATP taiyar hote hai, usko bolte hum oxidative phosphorylation. Kyun? Kyunki during respiration, oxidation of food material take place and then the energy which is released, It is utilized for the formation of ATP. So, उसको बोलते हैं oxidative phosphorylation. तो phosphorylation का मतलब है formation of ATP in mitochondria and chloroplast. Chloroplast में जो होता है उसको बोलते हैं photophosphorylation. क्योंकि sunlight से जो energy लेते हैं वो use होता है ATP formation में. और माइटोकॉन्ड्रिया में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हेन एटीपी इज फॉर्म इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि दैट एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड इट इज टेकन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। इज इट क्लियर? हम लोग फिर रेस्पिरेशन चैप्टर में करेंगे, हम डोंट बॉदर, अगेन आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन रेस्पिरेशन। सो अभी 51 से लेके 55 तक करो।
51 to 55. ये तो इजी है. 51. When only PS1 is functional, the phosphorylation is known as cyclic. Only PS1 लिखा है ना तो बराबर. Then cyclic photophosphorylation takes place in. Stroma lamellae. अरे cyclic रे cyclic. हाँ बराबर है cyclic stroma lamellae. Then 53 cyclic photophosphorylation will not take place in the absence of. Yes. Simple है. कौन सा essential pigment है? Which is essential pigment? Chlorophyll. तो इसका आंसर क्लोरोफिल है. 54 देखो. ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी अकर्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स. याद करो और बोलो मुझे क्योंकि वो याद करना पड़ेगा आपको. चाहिए तो नोट्स में देखो बुक में देखो और बोलो. मैम आप क्वेश्चन रिपीट करो ना फिर से. ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी अकर्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स. कौन से कंपाउंड के बीच में वो एटीपी तैयार होता है. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना उसमें देखो तुरंत आ जाएगा आपको. क्या है साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के ना बीच में दिया है कि नहीं बुक में. मैम ये क्वेश्चन ना PDF में है ही नहीं हमारे. नहीं है. ओके लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वो जो चार्ट है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसमें देखो किसके बीच में एटीपी तैयार होता है. इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे गो they are given from cytochrome B6 to cytochrome F. इसके बीच में होता है ना. Yes. तो नेक्स्ट वाला भी नहीं है क्या. क्वेश्चन नंबर 55 क्या है बोलो. विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट विल एक्साइट द रिएक्शन सेंटर इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. ये है क्वेश्चन. Yes ma'am ये है. हाँ तो देखो अभी 55 करो. 55 से लेकर चलो 60 तक हो जाएंगे क्या. करो 55 से लेकर 60 तक होता है तो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे और 60 के यहाँ हम लोग रुक जाएंगे. तो याद रखने को इजी 60 हो गए. बाकी बच्चे कोई भी आंसर नहीं दे रहे ऐसे कैसे. 26 students are there. Akshay, you are giving me answer. Yes. बाकी बच्चे कहाँ क्यों answer नहीं देते. Akshay, तुम physics और chemistry अच्छी तरह से कर रहे हो ना. Yes ma'am. Test लेते हैं तो marks मिलते हैं अच्छे. मैं मतलब medium मिलते हैं इतने अच्छे नहीं मतलब ऐसा.
नहीं बराबर है, अभी तक टाइम नहीं मिलता है ना पढ़ाई करने को, बराबर है, लेकिन करो हाँ करो, फिजिक्स केमिस्ट्री भी करो थोड़ा थोड़ा, फिजिक्स करो नहीं तो केमिस्ट्री जो अच्छा लगता है वो करो, और बायोलॉजी भी और थोड़ा पढ़ो। और वो जो लड़की आंसर देती है उसका नाम क्या है? शेरन। शेरन हाँ, पढ़ाई करो हाँ तुम भी। यस मैम। हाँ तुमको क्या अच्छा लगता है, फिजिक्स या केमिस्ट्री? केमिस्ट्री ज्यादा। तो केमिस्ट्री करो तुम। और अक्षय तुला काय आवडतं? मैम केमिस्ट्री। दोघांना केमिस्ट्री बरोबर, पण केमिस्ट्री चांगलं करा फिजिक्स पेक्षा, पण बायोलॉजी करा। आणि आपण एवढे जे क्वेश्चन करतो ओनली दॅट मच इज नॉट सफिशियंट, यू हॅव टू रीड मोर। ओके, और मैंने आपको साइंटिस्ट के नाम वगैरह लिख के नहीं दिए है ना कभी भी, वो भी दे दूंगी मैं, ठीक है? Yes. क्योंकि वो भी कभी कभी पूछते हैं, तो पूरे सारे 11th और 12th में जो साइंटिस्ट के नाम आ गए वो एक साथ मैं इधर, मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है, ये भेज दूंगी क्लास में और वो आपको भेज देंगे PDF करके, कैसे भी कुछ तो करेंगे क्योंकि दोनों अच्छे तरह से आंसर देते। और थोड़ा पढ़ाई करो क्योंकि 11th का थोड़ा भूल गए है ना, इसलिए चलो 55 से लेके 60 तक, और बाकी बच्चे मुझे पता ही नहीं लगता है क्योंकि आवाज से ही मैं पहचान सकती हूँ ना कौन आंसर दे रहा है। चलो 55 से लेके 60, एंड आफ्टर 5 मिनट्स आई विल आस्क यू सो दैट अप टू 60 वी विल कंप्लीट। चलो मुझे लगता है हम लोग 55 और 56 करेंगे, 57 के बाद केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, वो आपको समझा नहीं होगा तो समझाना पड़ेगा। 55 का बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट विल एक्साइट द रिएक्शन सेंटर इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? लाइट बियॉन्ड वेवलेंथ, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, क्योंकि 700 नैनोमीटर क्लोरोफिल ए, 700 नैनोमीटर इज द प्रिंसिपल पिगमेंट, सो बियॉन्ड 680, 56 इन द फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन?
एटीपी एटीपी फॉर्मेशन करेक्ट करेक्ट। और 57 के बाद में ना केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, तो वो आपको सिखाया है क्या केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस? सिखाया है क्या और आपको समझा है क्या? दोनों चीज मैम सिखाया है। सिखाया है ना, तो समझा है क्या आपको? Yes. तो आंसर दे सकते हो 57 का? ये तो अपने नोट्स में भी अच्छी तरह से लिखा है, या वो बाद में करेंगे नेक्स्ट टाइम, जैसे आप बोले वैसे? मैम एक बार आप रिवाइज कराओ ना। हाँ करती हूँ, वो डायग्राम निकालो नोट्स में का, बाद में क्वेश्चन तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। वो डायग्राम है ना नोट्स का, डायग्राम निकालो, क्योंकि मैं डायग्राम करते बैठू तो बहुत टाइम जाएगा। मैं पेज नंबर बोलती हूँ। हाँ पेज नंबर, अरे अरे पेज नंबर मेरे इसमें दिखाई नहीं देता है। मिल गया आपको डायग्राम? यस यस। हाँ तो देखो कैसे दिया है, ल्यूमेन ऑफ द थायलाकॉइड दिया है डायग्राम में, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन में है ना, इसलिए। तो ऊपर देखो फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम बी एफ, ये सब लिखा है। देन बाहर के साइड में स्टोमा लिखा है, और वो प्रोटॉन चैनल ऐसे सब कुछ दिखा है। नाउ सी हियर, पीटर माइकल ही सजेस्टेड दिस केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। नो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस आपको पता है, यही साल आप लोगों ने किया है। When two solutions of different concentration are separated by a semi-permeable membrane, then there is movement of solvent from dilute solution to concentrated solution. नहीं तो simple language में बोले तो जहां पे solvent ज्यादा है वहां से solvent कहाँ जाएगा? जहां वो कम है, जहां solvent ज्यादा है वहां से वो जहां कम है वहां जाएगा। वैसे ही यहाँ पे होता है movement कि जहां पे प्रोटॉन ज्यादा है वहां से प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, जहां पे कम है सो इट इज अ प्रोटॉन पंप। तो भी इनसाइड द कैविटी ऑफ द थायलेकॉइड, ल्यूमेन यानी कैविटी, इनसाइड द कैविटी ऑफ द थायलेकॉइड वॉटर विल गेट स्प्लिट अप, सो एच प्लस ओ एच विल बी फॉर्म। सो हाइड्रोजन आयन्स वो जो दिखाई दिए ना ल्यूमेन ऑफ द थायलेकॉइड, प्रोटॉन्स दे गेट एक्यूमुलेटेड देयर, और NADP get reduced to NADPH2। ये जो प्रोसेस है ना इट टेक्स प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थायलेकॉइड मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द स्टोमा से। देखो बाहर के साइड में दिखाया है NADP get reduced to NADPH2, तो वो प्रोटॉन्स कहाँ से लिए जाते हैं? वो प्रोटॉन्स स्टोमा साइड से लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि NADP reductase enzyme is present on the outer surface of the thylakoid membrane. Again, I will repeat, NADP reductase enzyme is present on the outer surface of the thylakoid membrane. तो बाहर के बाजू में वो है, इसलिए NADP get reduced to NADPH2 on the stoma side. तो stoma side के hydrogen ions use किए जाते हैं, लेकिन inside the thylakoid hydrogen ions are increasing. So proton pump is developed. थायलेकॉइड में प्रोटॉन ज्यादा है और बाहर कम है, तो कहां से कहां प्रोटॉन जाएंगे? थायलेकॉइड से बाहर जाएंगे, बराबर। तो ये डायग्राम में दिया है, देखो थायलेकॉइड से प्रोटॉन बाहर जाते हैं स्टोमा साइड में, एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और उसके लिए एटीपीएज एंजाइम इज यूज्ड। समझ गए? ये आप, मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने को, आप ये एक बार पढ़ो तो समझ में आएगा, ठीक है? Yes. मैंने एक्सप्लेन तो किया है, आपको कितना समझा है वो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार ये पढ़ो जो लिखा है, वो डायग्राम भी बहुत अच्छी तरह से दिया है, लिखा भी अच्छी तरह से है, तो देखो आता है कि नहीं। देखो क्या लिखा है, व्हेन हाइड्रोजन आयन्स प्रोटॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन इज डेवलप। यानी कि थायलेकॉइड में प्रोटॉन ज्यादा है, स्टोमा साइड में कम है, तो प्रोटॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे? थायलेकॉइड से बाहर स्टोमा में जाएंगे।
The development of this proton gradient across the thylakoid membrane in the chloroplast leads to ATP synthesis. A proton gradient develops in the lumen of the thylakoid because photolysis of water produces hydrogen ions, that is protons. Hydrogen ions are transported from the stroma of chloroplast to the lumen of the thylakoid as they are required for the reduction of NADP to NADPH2. Thus, there is an increase in protons in the lumen of thylakoid and decrease in the stroma. The breakdown of this proton gradient due to movement of protons from the lumen of the thylakoid to the stroma results in release of energy, which is used in the synthesis of ATP. Pata chala kaise hota hai wo? And similar type of chemiosmotic hypothesis we can use in respiration when ATP formation takes place. Is it clear? Yes. तो हमारे क्वेश्चन 58 तक हो गए, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे. थोड़ा फोटोसिंथेसिस चैप्टर नहीं तो ये नोट्स पढ़ के आना तो इजी हो जाएगा. ओके, सो आई विल स्टॉप हियर नाउ. सो नेक्स्ट संडे वी विल मीट एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. इज इट क्लियर? थोड़ा फोटोसिंथेसिस का नोट्स पढ़ के आना, भूल गए होगे तो. सो आई विल स्टॉप नाउ.